नमस्कार। हरियाणा ने एक नया कानून पास किया है और उस कानून में क्या होगा, उस कानून में ये बताया गया है कि अब से कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री अगर नए लोगों की भर्ती करेगी जिनकी वेतन 50,000 से कम है, 50,000 तक है, उनमें से 75% ऐसे होने होंगे जो हरियाणा वासी हो, या तो हरियाणा में पैदा हुए हो या उनके पास हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, ऐसे लोगों को ही आप भर्ती कर सकते हैं। 75% ऐसे लोगों को ही भर्ती कर सकते हैं। इसका असर क्या है और ये क्यों आया है, इसी का हिसाब लगाएंगे आज के एपिसोड में। देखते रहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हरियाणा का जो नया कानून है, इसमें अगर कोई भी नई नौकरी 50,000 तक के वेतन की हो, मासिक वेतन की हो, तो अगर चार ऐसी नौकरियां हैं तो 3 हरियाणा वासियों को मिलनी देनी पड़ेगी। कोई भी कंपनी हो, जहां पर भी 10 से ज़्यादा लोगों को हायर किया जा रहा है, रखा जा रहा है, वहां पर ये कानून लागू होगा। अब आप जानते हैं कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली में कभी आए हैं तो आप जानते हैं कि पूरा जो गुड़गांव मानेसर बेल्ट है, ये एक इंडस्ट्रियल और एक तरीके का ऑफिस बेल्ट है। यहाँ पे एक हब है, यहाँ पे आईटी का हब है, जो नॉर्थ इंडिया का आईटी हब है। पूरा जो कॉल सेंटर चलता है ये सब यहीं से चलता है। अब इन सब को कहा गया है, पूरे हरियाणा में ही कहा गया है कि अगले 3 महीने में आपको एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा। इस रजिस्टर में आपको बताना पड़ेगा कि आपके जो एम्प्लॉई हैं, जो आपके कर्मचारी हैं, वो कहाँ कहाँ से आते हैं, और उस वक्त तक जब तक आप ये रजिस्टर जमा नहीं करेंगे तब तक आप किसी को नहीं ले सकते हैं। उसके बाद हर 3 महीने में आपको बताना पड़ेगा कि आपने जितने लोग लिए हैं उनमें से कितने लोग किस जगह से हैं, और नए जो भी आप लोग ले रहे हैं, अगर वो 50,000 से ज़्यादा वेतन के लोग हो तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर 50,000 से कम के वेतन के हो तो 4 में से 3 हरियाणा के होने पड़ेंगे। अब ये क्यों हुआ, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हरियाणा में नौकरियां नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे कैसे नहीं है, क्यों आप ही ने तो कहा, मतलब मैंने तो कहा आपको अभी कि सारा इंडस्ट्रियल बेल्ट यहाँ पे है, इतना सारा बीपीओ चलता है, कॉल सेंटर चलता है, इतने सारे बड़े बड़े ऑफिसेज हैं। हाँ जी हाँ, ज़रूर है, लेकिन हरियाणा के लोगों को ये काम नहीं मिलता है। मैं आपको एक लेटेस्ट डेटा ना बताकर एक साल पुराना डेटा बताता हूँ। आप कहेंगे पुराना डेटा क्यों बता रहे, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई कह सकता है कि लेटेस्ट जो डेटा है नौकरियों का, रोजगार का, वो तो इसलिए है क्योंकि कोविड हुआ है। जी हाँ, ये सच बात है। तो मैं क्या करता हूँ, हर एपिसोड में मैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI का डेटा लेता हूँ, तो इस बार भी वही ले रहा हूँ। मैं सितंबर से दिसंबर जो 2019 का डेटा है, मतलब कोविड से काफ़ी पहले का डेटा, वो लेता हूँ और आपको बताता हूँ क्या है, बेरोजगारी की स्थिति क्या है। तो मैं उन लोगों को लूंगा जो या तो काम ढूंढ रहे हैं या काम मिले तो वो करना चाहेंगे। ऐसे लोगों की मैं गिनती नहीं कर रहा हूं जो लोग काम नहीं करना चाहते, जिनको काम मिलने पर भी वो नहीं करेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो आप देखिए कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनमें से कितने लोगों के पास नौकरी नहीं थी। सितंबर से दिसंबर 2019 में 26% ऐसे लोगों के पास हरियाणा में काम नहीं था। ठीक है, आप एक चीज याद रखिएगा कि हरियाणा हमारे देश में, अगर हम पर कैपिटा इनकम देखें यानी कि प्रति व्यक्ति इनकम कितना है, उसमें हरियाणा नंबर 5 पर है। ठीक है, और उससे आगे जो है दिल्ली है, चंडीगढ़ है, सिटी है, सिक्किम है, गोवा है, जिसको हम अच्छे एक बड़ा सा राज्य मानेंगे वो हरियाणा है, और वो नंबर 5 पे है। क्यों, वहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें बनते हैं, बहुत सारे सर्विसेज बनते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा होता है या नहीं वो हमें पता नहीं। तो जब हम किसी कभी भी प्रति व्यक्ति आय देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उस राज्य में क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, उसमें क्या आय हो रहा है, और उस राज्य की पॉपुलेशन क्या है, उससे हम डिवाइड करते हैं। लेकिन कॉल सेंटर में तो आधे लोग जाते हैं नोएडा, दिल्ली, यहाँ से जाते हैं काम करने, हरियाणा के लोगों को नहीं मिलता है। बहुत लोग जो आते हैं वो जो मजदूर का काम करते हैं, लेबरर का काम करते हैं, जैसे मानेसर बेल्ट में आप जानते हैं पूरा ये मारुति का फैक्ट्री है, बहुत सारे ऑटो इंडस्ट्रीज है, पेंट के फैक्ट्री हैं, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्री, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो सब हरियाणा के नहीं होते।
बिहार, यूपी, कोई पश्चिम बंगाल से भी आते हैं लोग, वहाँ पे काम करते हैं, वो जो पैसा बनाते हैं वो घर भेजते ज़्यादातर। तो खैर, मैंने आपको बताया कि हरियाणा का बेरोजगारी दर, जो लोग काम मांग रहे हैं, करना चाहते हैं, उसमें 26% सा, एक साल पुरानी डेटा दे रहा हूँ, कोविड की डेटा नहीं। अब आप देखिए कि युवा जो हैं, जो लोग यंग हैं, 20 से 24 साल के हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं, वो काम करना नहीं चाहते। जो लोग काम करना चाहते हैं, काम करने को तैयार हैं, इनमें ये जो 20 से 24 वाले युवा हैं, इनमें बेरोजगारी दर कितनी थी? इनमें बेरोजगारी दर थी 70%। 10 में से 7 ऐसे युवाओं के पास पिछले साल 2019 में कोविड के पहले के, उनके पास काम नहीं था हरियाणा में। तो ये है बेरोजगारी दर हरियाणा का। कोविड की बात कर लेता हूँ एक साल बाद, सितंबर से दिसंबर का जो डेटा है, क्योंकि उसमें भी हमें देखना चाहिए कि सितंबर से दिसंबर के बीच में भी बाकी स्टेट्स में काफ़ी सारा रिकवरी हुआ है, वहाँ पे क्या हुआ। अब हम अगर सबको ले ले, जो लोग काम करना चाहते हैं, उनमें बेरोजगारी दर कितनी थी? 33%। 26 से बढ़कर 33% पे चले गए कोविड के बीच में। और जो लोग युवा हैं, 20 से 24 साल के, जो काम करने को तैयार है, उनमें बेरोजगारी दर 85% पर चली गई। 85%, यानी आप सोचिए कि अगर 6 लोग काम ढूंढ रहे थे या काम करना चाहते थे, युवा लोग 20 से 24 साल, एक को काम मिल रहा था जो काम वो चाहते थे, एक को, 6 में से 1। ये है बेरोजगारी दर हरियाणा का। तो आपको बताया जाए कि हरियाणा बहुत ही डेवलप्ड है, देखिए कितनी तरक्की हो गई हरियाणा में, गुड़गांव मानेसर जाइए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, लेकिन हरियाणा के लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है उससे? इसीलिए हरियाणा में लगातार ये सवाल उठा है, लगातार कहा गया है कि हमारे लोगों के लिए आरक्षण दीजिए, और यही सरकार ने किया है। अब हरियाणा सरकार अगर सच में चाहती नौकरियां देने की, तो सरकारी नौकरियां बढ़ाती। सरकारी नौकरियां तो लगातार घट रही है हरियाणा में, जो वैकेंसी है वो फिल नहीं हो रही है। तो अब उन्होंने क्या कहा कि प्राइवेट सेक्टर को बोल दिया है कि आप लोग नौकरी दीजिए, जो भी नौकरी, नई नौकरी होगी आप दीजिए। बहुत लोग कह रहे हैं इससे क्या होगा कि प्राइवेट कंपनियां कहेंगी कि भैया हमें हरियाणा में नहीं रहना, हमने तो यहाँ पे ऑफिस इसलिए खोला था, हमने ये फैक्ट्री इसलिए खोला था क्योंकि 20 साल पहले आप लोगों ने कहा था हमको, जो सरकार तब थी, कि आप यहाँ पर आइए, जो मर्जी कीजिए, यहाँ पे बनाइए, आराम से हम सुविधाएं देंगे, आप बनाइए। अब आप कह रहे हैं कि जिसको लेना है वो हरियाणा का होना चाहिए। खैर, इसमें कुछ लूपहोल तो होते हैं ना, कुछ दरवाजे खुले हैं। एक दरवाज़ा ये है कि कंपनी कह सकती है कि जो स्किल हमें चाहिए वो यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा है, तो वो एप्लीकेशन दे सकती है। जो अथॉरिटी है, लेबर अथॉरिटी, वो एप्लीकेशन देखकर उसको पास कर सकता है या उसको खारिज कर सकता है, या कह सकता है कि वापस भेज सकता है, कहता है कि आप यहाँ पे लोगों को ट्रेन कर लीजिए। तो एक लंबा प्रोसेस रहेगा। दूसरी बात, कानून में ये है कि 1 दिन का नोटिस देकर जो अथॉरिटी है वो आकर आपके ऑफिस या फैक्ट्री में आकर एक तरीके का, मैं रेड नहीं कहूँगा, लेकिन सर्वे कर सकती है। किसी भी टाइम आकर, 1 दिन का नोटिस देकर आकर कह सकती है कि हम देखना चाहते हैं कि क्या सच में आपने 75% जो नए लोग हैं वो हरियाणा से लिया है। अगर उनको लगा ये सही नहीं है तो वो कार्रवाई कर सकती है। अगर ये कार्रवाई बाद में गलत साबित हुआ तो भी उस जो अफसर है उसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये कानून है, कोर्ट में आप जाकर कुछ नहीं कर सकते उनके खिलाफ, ये कानून में है। तो फिर जो जितने भी बिजनेस है, जितने भी कंपनियां वहाँ पे काम कर रही है, वो सब डर रहे हैं कि भैया इससे तो जो इंस्पेक्टर राज था वो वापस आएगा। इंस्पेक्टर राज कभी गया नहीं है, लेकिन ये और भी बढ़ेगा, और उससे क्या होता है, डर रहता है कि आपको कोई भी काम करने के लिए घूस कर देना पड़ेगा। और इसीलिए बहुत जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ से तो सारी कंपनियाँ निकल जाएगी। उतना आसान नहीं है, आपने फैक्ट्री बिठा लिया कल आप निकल लेंगे, ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है। आपने बड़ा सा एक बिल्डिंग खड़ा कर लिया वहाँ से आप निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है। लेकिन हाँ, हो सकता है, ये ज़रूर है। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे ऐसे बड़े बड़े फैक्ट्री या बिल्डिंग या ऑफिस हो, अगर वहाँ के लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो कोई भी राज्य सरकार कहेगी भैया माफ़ करो, हमें तरक्की की ज़रूरत नहीं है, हमें विकास की ज़रूरत नहीं है, हमें तो नौकरियां देनी है। आप नौकरी नहीं दे सकते तो हमें बाय बाय कीजिए। यही है आज का एपिसोड।